गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी घर पे हो, सेफ हो मेरी तरह। और लॉकडाउन पीरियड में थोड़ा बहुत बोर मैं भी आप भी तो हो ही रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना एक नया कोई टॉपिक को लेकर आज वापस आया जाए। इसीलिए मैं इस लुक को आज क्रिएट किया है। अंडर 100 रुपीज़ मेकअप चैलेंज है, मुझे काफ़ी पसंद आया ये लुक। आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। क्रिएट किया है अंडर 100 रुपीज़, ये एक माइल्ड स्मोकी आई लुक। स्मोकी आई करना किसको पसंद नहीं है, हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन मैंने जब भी मेकअप करना स्टार्ट किया था, मेरे बस का तो ये नहीं था, तो मैंने बहुत मुझे प्रैक्टिस करना पड़ा, उसके बाद जाके ये रिजल्ट मैंने सीखा। आप सभी को अच्छा लगेगा शायद, आप देख पा रहे हो बहुत सॉफ्ट एक स्मोकी लुक है, सॉफ्ट ट्रांजिशन है। एंड उसके साथ मेरा ड्रूपी आईज़ है, मतलब हुडेड आईज़ है, इसलिए मैं ऊपर से ज़्यादा आईलाइनर वगैरह यूज़ नहीं करती। जितना भी करती हूँ वो बहुत मतलब लैश लाइन से करीब एक लाइन ड्रॉ करती हूँ। अगर आप में से किसी भी व्यूअर जो अभी देख रहे हो, आपका भी अगर मेरी तरफ हुडेड आई का प्रॉब्लम है, आप ऐसे कर सकते हो। एंड जब भी आप अपना आईब्रो ड्रॉ करो तो उसको थोड़ा सा ऊपर की तरह ज़्यादा ड्रॉ करना। अगर ये आईब्राउ को आप नीचे की तरह, इसका जो ये है इसको अगर आप नीचे की तरह ड्रॉ करोगे तो यह जगह और भी कम हो जाएगा, तो आपको मतलब आपका आई शेडो उतना अच्छा नहीं आएगा, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। एंड ओके, मेकअप का पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वो होता है स्किन केयर। मैंने मेरा रेगुलर स्किन केयर प्रोडक्ट से स्किन केयर कर लिया था और अभी हम प्राइमर की जगह पे पतंजलि एलोवेरा जेल यूज़ करेंगे। फेस प्राइम करने के बाद मैं डायरेक्टली लैक्मे का सीसी क्रीम यूज़ करने वाली हूँ। दोस्तों, मुझे 100 रुपीज़ के अंदर वैसा कोई फेस पाउडर नहीं मिला और अभी लॉकडाउन पीरियड पे मैं बाहर भी नहीं जा सकती थी, इसलिए फाउंडेशन की जगह मैंने सीसी क्रीम यूज़ किया, क्योंकि इसका फॉर्मूला बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग नहीं है, थोड़ा सा ड्राइंग है, तो इससे मुझे अलग सेट करने का कोई ज़रूरत नहीं था। जैसे कि आप सबको तो पता ही है, सीसी क्रीम का कवरेज उतना ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैंने इसे स्पंज की जगह ब्रश से मैं ब्लेंड कर रही हूँ ताकि कवरेज मुझे थोड़ा बहुत मिल जाए। एंड ब्रश से भी ये बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड हुआ, आप देख ही सकते हो। ओके, आईब्राउज फिल करने के लिए मैं पहले एक स्पूली को लेकर मेरे आईब्रो को कोम कर लूँगी, उसके बाद एक डार्क ब्राउन कलर का पेंसिल लेकर मैं मेरा ब्राउ को अच्छी तरीके से फिलिंग कर लूँगी। ऐसा पेंसिल आपको लोकल मार्केट में बहुत अच्छी तरीके से मिल जाएगा। बहुत सारे ब्रांड्स हैं, स्विस ब्यूटी है, मिस क्लेयर है, बहुत सारे ब्रांड्स का अवेलेबल है, आप चाहो तो खरीद सकते हो, ये बहुत कन्वीनियंट है यूज़ करने में। और अभी हम कंसीलर यूज़ करेंगे, जिसके लिए मैंने ओलिविया का पेन स्टिक यूज़ किया है, शेड नंबर है इसका 1, जिसको मैं एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। जो भी सारे ब्रशेस मैंने यूज़ किया है, मैंने उसे ऑनलाइन मंगवाए थे, वो सेट्स में आते हैं, 12 पीसेस का सेट या फिर 10 पीसेस का सेट। अगर आप उसे इंडिविजुअली कैलकुलेट करो तो हर एक ब्रश 100 रुपीज़ से कम ही का होगा। कोई भी आई लुक के लिए एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पहला तो है कंसीलर या फिर कोई भी आईलिड प्राइमर, जिससे कि आपके जो स्किन कलर है वो नेचुरल हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए, जिसके ऊपर आई शेडो बहुत अच्छी तरीके से पॉप आउट होता है। एंड और एक चीज़ है, वो है ब्लेंडिंग। आप जितना अच्छी तरीके से ब्लेंड कर पाओगे उतना अच्छा आपका आई लुक होगा, तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा और थोड़ा सा ही कलर लेके ब्लेंड कीजिएगा। एक साथ बहुत सारा कलर अगर आप ले लो तो वो ब्लेंड नहीं हो पाएगा, आपका आई शेडो बिगड़ सकता है, पैची हो सकता है। एसेफर का आई शेडो पैलेट यूज़ किया हुआ है, ये 100 रुपीज़ का आता है, जिसमें ब्लश कलर भी था एंड एक कॉन्टोर टाइप का शेड भी था, जिससे मैंने मेरे फेस को कॉन्टोर किया हुआ है। लेकिन ब्लश के लिए मैंने यहाँ पे कोई दूसरा लिपस्टिक यूज़ किया हुआ है। दोस्तों, एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी, 100 रुपीज़ के अंदर कोई भी हाइलाइटर मेरे पास नहीं था। अगर मैं मार्केट पे जाती थी तो शायद हाइलाइटर किस्म का कुछ नहीं मिलता, ये भी कुछ नहीं।
चंकी लिप टाइप का कुछ होता। एंड और एक चीज़ भी सही है, आप जब भी कोई स्मोकी आइज कर रहे हो उसके साथ अगर आप बहुत ज़्यादा हाइलाइटर यूज़ करते हो तो आपका फेस अच्छा नहीं दिखता। एंड मेरा ये मानना है अगर आप अच्छी तरीके से स्किन केयर करते हो तो आपके स्किन में एक ग्लो हमेशा रहता है, उसको हाइलाइटर की ज़रूरत नहीं होता। ये मैंने ब्लू हेवन का मस्कारा यूज़ किया है जो कि बहुत अच्छा है। इनर कॉर्नर को हाईलाइट करने के लिए वैसा कुछ प्रोडक्ट नहीं था मेरे पास, इसलिए वही पैलेट का जो लाइट येलो कलर है उसको लेकर मैं इनर कॉर्नर एंड ब्राउ बोन को थोड़ा सा स्ट्रक्चर देने की कोशिश कर रही हूँ। अभी फेस कंटूरिंग हो जाने के बाद आता है लिपस्टिक की बारी। लिपस्टिक में मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे जिसमें से मैंने दो सिलेक्ट किए थे। एक था ब्लू हेवन का शेड 8 जो कि एक डार्क मरूनिश कलर है, एंड दूसरा है ब्लू हेवन का शेड 14 जो कि एक बहुत सुंदर न्यूट कलर है। आप देख ही पा रहे हो जो इस आई लुक को बहुत अच्छी तरीके से कॉम्प्लीमेंट भी कर रहा था। और मेकअप होने के बाद मुझे लग रहा था थोड़ा सा फ्लैश ऑफ कलर्स मिसिंग है, इसलिए मैंने उसी लिपस्टिक को एज ब्लश यूज़ कर लिया और जो कि बहुत अच्छी तरीके से काम भी किया, आप भी देख सकते हो। तो दोस्तों हमारा मेकअप पूरा तो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आता है हमारा फाइनल लुक। कोई भी मेकअप सेटिंग्स पे अंडर 100 तो नहीं होता है। सो हियर कम्स द फाइनल लुक। आपको ये लुक कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। ये वीडियो आपको अच्छा लगे और ऐसे ही नया टॉपिक पे आपको अगर वीडियो देखना पसंद हो तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करना अगर अभी तक नहीं किया है तो, और सब्सक्राइब के बगल में एक छोटा सा बेल बटन आपको देखने को मिलेगा, ज़रूर उसी को भी प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं ऑनलाइन आऊँ या फिर मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही जाए। ओके।